Well, sometimes you are lucky because of the weather or the vehicle in this scene. This is the V-Cross 2021 version. ये top of the line है, automatic 4x4 diesel. Now इस गाड़ी को लेके दो बड़े सवाल उतरते हैं कि 25 लाख रुपए ex-showroom for this vehicle worth it है? And second सवाल, 1.9 turbo diesel इस गाड़ी के लिए क्या दमदार है? Well, इन दोनों questions का मैं answer दूंगा along with a lot of other parameters from a family point of view, from a female driver point of view, from monsoon point of view. ये बारिश का मौसम, I'm dripping, so sorry for that. But guys, trust me, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे questions के answers हैं and a bit of adventure as well. तो please बने रहिए for the entire video with this lovely V-Cross. ऐसे मौसम के अंदर व्हाट डू यू वांट चाय, यू वांट पकौड़ास, तो वो हम ब्रेक ले रहे हैं बिकॉज बारिश नहीं रुक रही. पीछे हमारी वी क्रॉस है और डिजाइन वाइज वही गाड़ी है जो लास्ट ईयर थी. ये टॉप एंड वर्जन है तो आपको मिलते हैं इसके अंदर अलॉय व्हील्स एंड डीआरएल्स और पीछे बूट पे ऑप्शनल बूट लिड है जो आप लगा सकते हैं फ्रॉम द शोरूम. अगर बारिश रुकती है, आई गेट टू सम विजुअल्स फ्रॉम द आउटसाइड वाइल ऑन द मूव. अगर नहीं रुकती, अनफॉर्चुनेटली आई ओनली बी टॉकिंग टू यू फ्रॉम इनसाइड द कार. सो अच्छा मौसम है बट शूट भी जरूरी है. लेट्स सी. So the first row of the V-Cross, मैं डिटेल के अंदर बात करने वाला हूँ. गोना बी अ लॉन्ग इंटीरियर वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर वेरियस एस्पेक्ट्स जो आप एज अ कस्टमर या आप एज अ V-Cross फैन जानना चाहते हैं. द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द फीचर्स. ये टॉप एंड वर्जन है, दी प्रेस्टीज जेड वर्जन. 25 लाख रुपए का है एक शोरूम डेली. तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम इतना पैसा स्पेंड करेंगे, कुछ स्टेट्स के अंदर द ऑन रोड प्राइसिंग विल बी ओवर 30 लाख रुपीज़. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स क्या मिलते हैं आपको इस गाड़ी के अंदर? वेल, टस्कन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. इट इज़ नॉट दी बेस्ट लुकिंग बट सरप्राइजिंगली इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है. इनफैक्ट स्पीकर्स ऊपर भी हैं तो आपको एक सराउंड फील मिलता है. इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ मिलता है. एसी इज चिलर एंड वेरी एसेंशियल बिकॉज रियर एसी इवेंट्स नहीं है. यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलता है. वेरी गुड ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले मिलता है. प्रॉपर कीलेस एंट्री विथ पुश बटन स्टार्ट आपको मिलता है. ये ऑटोमेटिक वाला वर्जन है एंड यू हैव दी फुल सेफ्टी किट. एयरबैग्स डुअल हैं. इसके साथ आपको मिलते हैं साइड एंड कर्टन एयरबैग्स. एडवेंचर नीड्स के लिए जब कंडीशंस आर स्लिपरी, यू हैव फ्रैक्शन कंट्रोल, यू हैव स्टेबिलिटी कंट्रोल, यू ऑल्सो हैव योर हिल डिसेंट कंट्रोल. जो ड्राइवर की सीट है ये पावर्ड है. को ड्राइवर सीट इज़ नॉट पावर्ड बट ऑल दी सीट्स गेट लेदर ट्रीटमेंट. एंड बिकॉज आप पैसे स्पेंड कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच फील मिलता है. पैडिंग ऑन दी अपर ग्लव बॉक्स एंड पैडिंग ऑन दी अपर पार्ट ऑफ द स्टेयरिंग व्हील. तो ये चीज़ें इन टर्म्स ऑफ फीचर्स मिलती हैं. आई थिंक दे डू कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स. एक फीचर जरूर मिसिंग है जो आपको एडवेंचर नीड्स पे ज़रूरत आपको पड़ती है, दैट इज़ अ ऑटो डिमिंग मिरर ओवर हियर. तो आपका रियर जो मिरर है दैट इज़ नॉट ऑटो डिमिंग. तो ये चीज़ आई थिंक करनी चाहिए कंपनी को. आप इतना पैसा उनको दे रहे हैं तो दिस शुड बी अ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट. सेकेंड बात करूँगा फीचर्स के बाद में ऑन द प्रैक्टिकलिटी, ऑन द स्टोरेज स्पेसेज. ये एक एडवेंचर व्हीकल है तो आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे विद योर फैमिली एंड यू डू नीड थिंग्स विच विल बी हेल्पफुल. तो स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी हैं. स्टार्टर्स के लिए आपके पास दो कप होल्डर्स मिलती हैं ऑन दी आइदर साइड. यहाँ पे आप खोलते हैं एसी वेंट्स के बाहर आपको कप होल्डर्स मिलते हैं. सो गुड टू कीप योर ड्रिंक्स चिल्ड. इसको बंद करता हूँ. यहाँ पे आपका आता है सनग्लास होल्डर. यहाँ पे आपका आता है वन मोर स्पेस टू कीप. सॉरी, ये खुल नहीं रहा. स्मॉल थिंग्स जो मुझे, हाँ अब खुल गया ये. तो यहाँ पे आपका वॉलेट कैन कम और सम मोर स्टोरेज स्पेस. डुअल ग्लव बॉक्स का कॉन्सेप्ट मिलता है. ऊपर भी है, नीचे भी है. एंड राइट साइड पे बिलो द एसी वेंट, बिलो द कप होल्डर, आपको एक छोटी कंसील्ड स्टोरेज स्पेस मिलती है टू कीप योर चेंज और योर टोल टिकट्स. यहाँ पे दो और कप होल्डर्स हैं इन फ्रंट ऑफ द गेली वर. आई कैन कीप माई फोन. एंड जो आर्मरेस्ट है ये एडजस्टेबल नहीं है बट काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस है इसके अंदर. तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सही है बट वन थिंग इज मिसिंग, जो उसके डोर पैड्स हैं वो काफ़ी जेनरस नहीं है. यूजली इस प्राइस के अंदर गाड़ियाँ आपको एक बड़ा जेनरस डोर पैड देती है. उसमें आपकी बड़ी बॉटल आती है, आपका क्लॉथ फॉर क्लीनिंग द कार, यू वॉलेट एक्सेट्रा. बट इस केस के अंदर वो चीज़ टाइट है. तो फीचर्स आर गुड. एक चीज़ मिसिंग है, प्रैक्टिकल सर्विसेज आर गुड अपार्ट फ्रॉम द डोर पैड्स. अब मैं बात करता हूँ फ्रॉम द स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू. एज यू कैन सी आई स्टैंड 6 feet tall विद अ जेनरस बिल्ट. पावर्ड सीट है, मैंने सबसे नीचे करी हुई है बट तब भी आई एम सिटिंग हायर अप एंड अच्छा हेडरूम है.
चौड़ी गाड़ी है तो शोल्डर स्पेस की दिक्कत नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो विजिबिलिटी है, आई कैन सी द बोनेट क्लियरली, आउटसाइड मिरर्स एक्सल साइज के अंदर है, अंदर आने के लिए ग्रैब रेल मुझे मिलती है, तो ये सब कुछ सॉर्टेड है जो उस गाड़ी के अंदर होना चाहिए। अब मैं एक काम करता हूँ, आई विल पोजिशन दी ड्राइवर सीट फॉर माय ड्राइविंग पोस्चर और चलते हैं टू द सेकंड रो टू शो यू कि वहाँ पे स्पेस कितनी है इन द वी क्रॉस। सेकंड रो ऑफ द वी क्रॉस, पहले बात करूँगा फीचर्स को लेके, एक चीज़ ज़रूर मिसिंग है इंडियन समर्स के लिए, रियर एसी वेंट्स नहीं है, ऑल्दो आगे एसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट देन फॉर द एयर टू रीच एट द बैक आपको उसकी ब्लोअर स्पीड को हाई करना पड़ता है, उसमें आवाज़ आती है, तो पीछे आपको रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते। उसके अलावा कोई इशू नहीं है बिकॉज काफ़ी कुछ दिया है इसुजू ने, आर्मरेस्ट यहाँ पे आता है, कप होल्डर्स के अंदर नहीं है बिकॉज कप होल्डर्स आर प्लेस्ड इन अ वेरी क्लेवर पोजिशनिंग ओवर हेयर, मगर अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन बैठता है तो उसकी लेग स्पेस के अंदर कप होल्डर जरूर आएंगे। चार्जिंग आउटलेट यहाँ दिया हुआ है एंड बोथ द सीट्स के पीछे आपके पास पॉकेट्स हैं टू कीप योर निकनैक्स। डोर पैड अगेन लाइक द फ्रंट डोर इतना जनरस नहीं है और जो विंडो है वो ऑलमोस्ट डाउन जाती है बट नॉट कम्प्लीटली फ्लैट। इन टर्म्स ऑफ स्पेस दिस इज पोजिशन फॉर माई हाइट एंड एज यू कैन सी मेरे पास 2 इंच का फासला है, तो अगर आप नॉर्मल इंडियन साइज लेते हैं 5'9" 5'10" तो स्पेस के मामले में फॉर योर नी रूम कोई इशू नहीं है। हेडरूम अगेन फॉर अ टॉल पर्सन नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड बिकॉज गाड़ी वाइड है तो शोल्डर स्पेस भी है इसके अंदर। विजिबिलिटी इज नॉट टेरिफिक, नॉट टू बैड ईदर, यू डोंट फील हैमर्ड इन बिकॉज पीछे ग्लास विंडो है, यहाँ पे विंडो है तो एरीनेस गाड़ी के अंदर रहती है, प्लस ऑफकोर्स लेदर सीट्स हैं। तो ओवरऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खुश हूँ विद द स्पेस, विद द प्रैक्टिकलिटी, विद द फीचर्स। एक दो चीज़ें मिसिंग है बट कुछ नहीं होता। अब हम जाएंगे टूवर्ड्स द बूट ऑफ द कार। इस गाड़ी के अंदर ऑप्शन असेसरी आई है ऑन द मीडिया व्हीकल, वो स्टैंडर्ड नहीं होती है बट उससे आपका लगेज सेफ रहता है। वो कैसे वर्क करता है, कैसे खुलता है, तो चलते हैं टूवर्ड्स द बूट ऑफ दिस मैसिव वी क्रॉस। So I keep on talking about cars, but आज मैं वी क्रॉस के बारे में पूछूंगा फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लिटिल ब्रैट, शी इज माई यंगर डॉटर। हाय नायरा। हेलो। सो नायरा, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द वी क्रॉस, बताओ मुझे। I like it because it has a large boot and we can sit in it and enjoy the weather. Okay, so that's about from my little brat Naira. Now we'll go to my elder daughter Naisa. She's sitting over here trying to make a picnic out of this place. Piche chhota sa sand dune hai. So Naisa, do you love the V-Cross? I like the V-Cross because it has roof mounted speakers from which I can hear my favorite song and it makes me really happy. Anything else about the V-Cross? It has a very large amount of space for my legs in the second row. ओके एंड कुछ ऐसा नाइसा जो को पसंद नहीं है इन द वी क्रॉस फ्रॉम योर एज पॉइंट ऑफ व्यू? इन द वी क्रॉस द आर्म स्पेस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज हार्ड फॉर मी टू पुट माय आर्म देयर व्हेन आई एम रेस्टिंग। सो ऑन द डोर और ऑन द सेंट्रल आर्मरेस्ट? बोथ। सो नाउ विल गो टू द थर्ड लेडी हु इज हियर, शी इज माय बेटर हाफ मानसी, शी ड्राइव्स एन इग्निस एंड मानसी क्विकली, व्हाट डू यू लाइक अबाउट द वी क्रॉस? I love its road presence and it has such a big car feel and you know it has a different personality when you're sitting inside the car and moving in the traffic. But at the same time kuch aisa which is not so good about the V-Cross? Not so good, it looks little impractical for city usage because we live in an apartment and last 3 days it was so difficult to park the car and turn it in narrow areas, so that's what was too challenging. So challenge to hai, but okay, yahan pe on this outskirts of Delhi, do you want to get behind the driver's seat? I would love to. So she says it's difficult to manage but she wants to drive the car. Girls aisi hoti hain. Theek hai, ab Mansi will drive for a while. I'll take care of the kids. One is over here, the second is enjoying the picnic. So iske baad we get to hear from Mansi on the driver's perspective from a female. So Mansi is used to driving the Ignis AMT in Delhi. And she has been driving my XUV500 as well when I had the car till a few months back. So any few words or lines on the V-Cross, Mansi? Frankly, it's not at all difficult to drive. Mujhe bahut maza aa raha hai. And matlab itna
confidently I'm able to pull off the car in the hilly area. Matlab, I couldn't expect ki main ye kar paungi, but it's very smooth and it's really, really amazing to drive this. So yeah, for a person to switch from a Ignis to a V-Cross and immediately get so much traffic on hilly terrain. So I won't disturb your driving, Mansi. Ek cheez, visibility theek hai kya aapki from a driver's perspective? The seats are so, you know, so many adjustments are possible, upar niche, front, back, everywhere, and I can see the entire boot also from the rear view mirror. So mujhe bilkul bhi problem nahi ho rahi visibility ki. It's amazing. I have a very clear view from all the mirrors from everywhere. Awesome. So if you are a female or your wife, your friend, your daughter, your mother wants to drive a car like the V-Cross, it's not difficult. Majorly thanks to the automatic as well and the visibility factor. Lovely weather, barish hui thi. V-Cross के अंदर आपको सिर्फ अब एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.9 लीटर टर्बो डीजल इंजन। पहले आपके पास एक बड़ा इंजन की ऑप्शन थी, बट वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है फॉर BS6 नॉर्म्स। यही इंजन आता है इन दी हाईलैंडर एज वेल। नाउ ऑन पेपर यू हैव वेरी इंप्रेसिव 160 bhp ऑफ पावर फ्रॉम अ 1.9 एंड 360 nm ऑफ टॉर्क। सो इन टर्म्स ऑफ फिगर्स ऑन पेपर यू आर सॉर्टेड, कोई इशू नहीं है, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स इन योर डेली ड्राइव्स। इंजन बहुत ही रिस्पॉन्सिव तो नहीं है, डिटो फॉर द गियर बॉक्स। Both the combinations give it a laid-back, lazy nature. But that's it, once on the boil, once the gearbox is responding, once the RPM is rising, acceleration is not bad for a vehicle is size ka. Log kehte hain ki yaar 1.9 liter hai, chota engine hai. Nahin, aisa, don't worry. When you want it to perform, it does perform. Humne ek friendly drag race bhi kari thi with the 2.2 car. Usme 30 bhp kam hai, 60 nm kam hai torque. बट वो गाड़ी हल्की है, तो वो वीडियो ऑलरेडी लाइव है ऑन द चैनल, लिंक इज ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। सो यू कैन मेक आउट कि ये छोटा इंजन, 300 cc इंजन कम है, बट तब भी उसकी परफॉर्मेंस कैसी है विद कंपैरिजन टू द थार। एंड हियर इज अ क्विक लुक एट हाउ फास्ट द वी क्रॉस इज फ्रॉम 0 to 100। सो वी क्रॉस 4x4 ऑटोमेटिक है ये। बारिश हो रही है, बट इट्स अ वेरी एम्प्टी रोड। वील टेस्ट आउट द 0 to 100 परफॉर्मेंस। दो हैं, एक तो करूंगा मैं ड्रैगी ऐप से, इट्स GPS बेस्ड एंड इसकी जो भी रीडिंग्स हैं वो मेरे फ़ोन पे आ जाती हैं। सो आई कीप दिस इन दिस सेंट्रल एरिया, यहाँ पे रख देंगे। एंड सेकेंड, GoPro का भी GPS ऑन है, सो विल टैली बोथ। रोड इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, हम कपल ऑफ रन्स करेंगे AC बंद करके। मैं D ड्राइव में रहूँगा, मैनुअल मोड में नहीं जाऊँगा। यहाँ से करेंगे इसको रीसेट एंड इनटू ड्राइव। AC मेरा ऑफ है, लेट्स गो। डेफिनेटली अ बिट ऑफ व्हील स्पिन, दिस इज क्विक, 80 ऑलरेडी, 100, 120, ओके लिफ्टिंग ऑफ। सो देखते हैं ड्रैगी ऐप जो है उस पर रीडिंग्स क्या आई हैं। विल जस्ट स्टॉप, रोड फिनिशेस देयर, उससे पहले रुक जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट एज द रीडिंग्स, 0 to 100 इन 13.5 सेकेंड्स, नॉट बैड। इट्स अ ब्रांड न्यू कार एंड ये GPS बेस्ड टाइमिंग्स हैं, दे आर नॉट एज पर द स्पीडोमीटर। सो 0 to 100 इन 13.5 सेकेंड्स, इसको मैं करता हूँ एक स्क्रीनशॉट एंड विल डू वन मोर रन टू सी क्या होता है एंड देन वी हेड बैक। सेकेंड रन करेंगे, आई विल रीसेट दिस एंड हियर वी गो। ड्राइव में है, AC बंद है, रेव्स बिल्डिंग अप, व्हील स्पिन बट ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है मेरा।
सो अगर मैनुअल होती गाड़ी डेफिनेटली एक दो सेकेंड्स क्विकर होती. जस्ट स्टॉप एंड सी. 1.9 टर्बो डीजल इंजन है इस बार. क्या आया फिगर? येस डेफिनेटली इम्प्रूव्ड. 12.82 सेकेंड्स ऑन अ ऑटोमेटिक. अगर मैनुअल वी क्रॉस होती तो ये डेफिनेटली 11 सेकेंड होता. वेरी फास्ट फॉर अ 1.9 इंजन एंड अ हैवी कार. दिस इज अ हैवी एसयूवी. नाउ डीजल इंजन के अंदर बेसिकली आपको कई बार एनवीएच का इशू आता है. एनवीएच यानी कि नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस. हैप्पी टू रिपोर्ट दैट इसकी जो वाइब्रेशंस हैं एंड हार्शनेस है दैट इज वेल कंट्रोल्ड. डीजल क्लैटर जरूर है गाड़ी के अंदर, डीजल की आवाज जरूर है बट हार्शनेस नहीं है, वाइब्रेशंस नहीं है. आवाज कितनी है? आई एम एट अ स्टैंडस्टिल राइट नाउ एंड यू कैन मेक आउट. स्पेशली जब आप स्टैंडस्टिल से शुरू होते हैं पहले गियर के अंदर तो काफी आवाज आती है. थार मेरे ख्याल से इस पैरामीटर पे बेटर है इन टर्म्स ऑफ साउंड इंसुलेशन. सो नॉइज मुझे इंजन की जरूर अंदर आती है बट हार्शनेस नहीं है एंड वाइब्रेशन नहीं है. स्टेयरिंग इट इज हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक नहीं है. ऑब्वियसली आपको इस काइंड ऑफ एसयूवी के अंदर हाइड्रोलिक चाहिए होता है. तो लोअर स्पीड से जरूर भारी है बट एज यू कीप ऑन गेनिंग स्पीड्स बाई 10 km/h 15 km/h इसकी जो वेट होता है वो ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. आई एम वेरी इंप्रेस्ड फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव. जो मैंने कहा था इंटीरियर्स के बारे में जब आपको बात की थी मैंने कि विजिबिलिटी अच्छी है, बड़े मिरर्स हैं, दैट रिमेन्स. एंड ऑफकोर्स ऐसी गाड़ी ऑन द रोड आपको कहीं ना कहीं बींग द बॉस वाली फीलिंग आती है. पीपल डू टेक नोटिस एंड ऑल यू नीड इज अ सिंगल डिपर. यहाँ से फ्लैश मारी आपको जगह मिल जाती है, दैट रिमेन्स. अर्गोनॉमिक्स रिमेन. ऐसी गाड़ी विल बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड आपको अर्गोनॉमिक्स चाहिए होते हैं. सीट कम्फर्ट इनिशियली यू फील हार्ड है स्पेशली बैक बट यू ड्राइव द कार फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. जो मैं कर रहा हूँ सुबह से, आई एम बीन ड्राइविंग इट फॉर ऑलमोस्ट 5 hours नाउ विद ब्रेक्स ऑफकोर्स. तो कम्फर्ट सीट का बहुत अच्छा रहता है. सो अगर आप छोटी कंपैक्ट एसयूवी से बड़ी पे आ रहे हैं तो ज़रूर आपको शायद आवाज़ ज़्यादा आए बट दैट्स अबाउट इट. एंड या गियर बॉक्स मैं बात करने आता हूँ. 6-speed ऑटोमेटिक है. इट्स नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव. यू कैन गो इन टू मैनुअल मोड एंड फ्लिक द गियर लीवर फॉर चेंजिंग गियर्स बट डेफिनेटली इट्स नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव. टॉर्क कन्वर्टर है तो रिलायबल ज़रूर है बट वेन यू रियली वॉन्ट दैट इमीडिएट पंच इट टेक्स टाइम टू डाउन शिफ्ट. तो ये चीज़ जस्ट कीप इन माइंड कि जो मैनुअल लेंगे आप उसमें ये दिक्कत नहीं है. यू आर द बॉस ऑफ द गियर बॉक्स. बट ऑटोमेटिक के अंदर थोड़ा टाइम दीजिए. इट्स अ बिट लेट बैक एंड देन इट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग. कितना रेती है? वेल शहर के अंदर बिकॉज भारी गाड़ी है एंड यू आर रेविंग एंड यूजिंग द टॉर्क. सो डिस्प्ले पे शहर के अंदर अगर फ्लोइंग ट्रैफिक है तो 9-10 बट अगर पीक रशा ट्रैफिक है तो 6-7 इसकी इकोनॉमी है. ऑन दी अदर हैंड हाईवे स्पीड्स पे अगर आप 90 के आसपास हैं, 6 gear है, RPM कम्स डाउन तो आपको 14-16 की एवरेज मिल जाती है. सो दैट्स अबाउट दी फ्यूल इकोनॉमी पैरामीटर. ऑल्सो राइड क्वालिटी वी क्रॉस की इट्स नॉट इट्स फॉल्ट. इट्स सपोज टू बी अ 4x4 जो उसकी शासी की कंस्ट्रक्शन है एंड द काइंड ऑफ व्हीकल इट्स मेंट टू बी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ऑन लगेज ऑफ रोड्स एंड पीपल. तो अगर आप अकेले गाड़ी चलाते हैं डेफिनेटली आपको एक बाउंसीनेस फील होगी स्पेशली फ्रॉम द रियर बट द मोमेंट यू हैव 3-4 पीपल सिटिंग एंड लगेज इन द बूट ये जो बाउंसीनेस है इट आयरन्स आउट कम्प्लीटली. सो ये माइंड में रखना अगर आप वी क्रॉस ऐसे गाड़ी ले रहे हैं और आपको हर रोज ऑफिस कम्यूट करना है, यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और यू विल बी ड्राइविंग द कार अलोन, तो डेफिनेटली बाउंसीनेस आएगी जो हम इवन इन द थार देखते हैं. थार के अंदर भी यही इशू है बट ऑन द प्लस पॉइंट योर ट्रिप टू लद्दाख 4 people लॉस ऑफ लगेज इज वेन दिस सेम बाउंसी राइड बिकम्स मच मच बेटर. हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज नॉट एन इशू. ब्रेक्स भारी गाड़ी है, दे आर गुड इफ नॉट एक्सेलेंट, दे आर डेफिनेटली गुड. एक चीज़ मैं बोलना भूल गया दैट फ्रॉम द विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो इस गाड़ी के अंदर जो
ऑप्शनल एसेसरी है एट द बैक जो लॉकेबल बूटलेट है वो आपके मिरर के अंदर बिकॉज थोड़ा वो उठा हुआ है वो डेफिनेटली आके आपकी विजिबिलिटी को थोड़ा हैम्पर करता है वो नॉट वेरी बैड बट डेफिनेटली वो जो स्पेस है ले लेता है इन टर्म्स ऑफ द व्यू अवेलेबल इन द रियर व्यू मिरर. Crazy weather, but work has to go on, the job has to go on because I always try कि मैं आपको एक proper, real, genuine, authentic verdict दूं गाड़ियों पे. Verdict में दो सवाल थे जो मैंने initially आपसे कहे थे जो लोग सोचते थे जब गाड़ी लॉन्च हुई थी कि पहला सवाल 1900cc is a small engine for this kind of a vehicle. ये true है will not really चाहे performance हो outright जो आपने देखा था in the 0-100 run चाहे daily use हो चाहे बारिश के अंदर मस्ती हो मैं इस इंजन से संतुष्ट हूँ. ओनली शॉर्ट कमिंग इज कि थोड़ा नॉइजी है बट वाइब्रेशन नहीं है हार्शनेस नहीं है तो पहला सवाल इज सॉर्टेड. दूसरा सवाल जो मुझे भी लगता था जब लॉन्च हुई थी कुछ महीने पहले 25 लाख रुपये एक्सट्रा वैली बिकॉज वी आर यूज टू सीइंग द वी क्रॉस एट अ डिफरेंट प्राइस ऑल टुगेदर. जब गाड़ी इंडिया में आई थी 4-5 साल पहले तो शायद मेरे ख्याल से 12 या 13 लाख रुपये की थी एक्सट्रा, अब 25 की है ऑफकोर्स ऑटोमेटिक है तो मेरे ख्याल से इट इज स्टिल जस्टिफाइड बिकॉज इस सेगमेंट के अंदर आपको ऐसी लाइफस्टाइल व्हीकल विद मैसिव रोड प्रेजेंस फीचर्स एंड डिपेंडेबिलिटी आपको नहीं मिलती. जो थार है दैट इज अ टू डोर, ये फोर डोर है विद अ मैसिव बूट. जो एंडेवर्स एंड फॉर्च्यूनर्स हैं वो इससे 10 लाख रुपये महंगी हैं. तो अगर आपको एक एडवेंचर व्हीकल चाहिए जो लाइफस्टाइल को भी मैच करे आपकी डेली कॉर्पोरेट जॉब पे आपको लेके जा सके एज अ डेली कंपेनियन एंड ये जब आपको विद योर वाइफ विद योर किड्स विद योर फ्रेंड्स मस्ती मारनी है दैट स्पेशल लद्दाख ट्रिप करनी है या टू जैसलमेर फॉर ए क्रिसमस करना है तो ऐसे सिचुएशंस के लिए जब साल में 2 बार यूज करें दैट मनी विल बी वर्थ इट. दिस थिंग इज रिलायबल अब्यूज फ्रेंडली डिपेंडेबल एम्पल फीचर्स गुड इंजन ऑटोमेटिक थोड़ा लेट बैक है बट अच्छा है एंड इट लुक्स नाइस. मतलब मेरे ख्याल से जो उसका रोड प्रेजेंस है दैट अलोन इज वर्थ 4-5-6 लाख रुपीज. Looks wow. I love these Loyvies. I love the stance. मैं मानता हूँ कि Thai version India में नहीं है but for now, अगर आप market में है for all these requirements, look no further. One time investment है but every day when you drive your car or you go back from your parking, you will look at this multiple times. I promise you.